हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टाइम पास जीके, जो है टेक्निकल के बारे में और कुछ जनरल नॉलेज के बारे में। आज का टॉपिक है अपना सीसीटीवी का। तो सीसीटीवी के बारे में बता दूँ, वहाँ पे आते हैं दो टाइप के कैमराज, एक आता है एनालॉग कैमरा, एक आता है आईपी कैमरा। जो नॉर्मल लोग अभी जो ज़्यादा तो चलता है वो एनालॉग कैमरा चलता है, आईपी कैमरा ज़्यादातर बड़े सेक्टर में चलता है या कंपनीज में चलता है और जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है हाई क्वालिटी की उसमें चलता है। एनालॉग कैमरे में क्या होता है, डायरेक्ट कैमरा तो DVR को अटैच होता है। और आईपी कैमरे के कैमरे में क्या होता है कि आईपी कैमरा जाता है स्विच में, जो POE बोलते हैं, और POE से उसका कनेक्शन आता है NVR में। देखिए, एनालॉग कैमरे में होता है DVR और आईपी कैमरे में होता है NVR। DVR मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, NVR मतलब नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एनालॉग सिस्टम, एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम। उसमें पहले सबसे पहले आता है DVR, उसके बाद आता है HDD जो DVR में फिट हो जाता है और उसका रिकॉर्डिंग स्टोर किया जाता है। उसके बाद आता है एनालॉग कैमरा, उसके बाद आता है पावर सप्लाई, उसके बाद आता है BNC DC कनेक्टर और CCTV केबल 4+1। 3+1 में यूज होता है और 2+1 में भी यूज होता है, लेकिन 4+1 एडवांटेज देता है। अगर एक हाथ दूसरा वायर खराब हो गए तो उस तीसरे और चौथे से काम चला लेते हैं। तो देखते हैं एनालॉग CCTV में क्या होता है, कैसे वायरिंग होता है। सबसे पहले आता है DVR, उसके बाद आता है कैमरा जो एनालॉग कैमरा है और उसको जोड़ा जाता है DVR से एक 4+1 केबल से। तो होता क्या है, एनालॉग कैमरा उसके एनालॉग सिग्नल भेज देती है DVR को और DVR उसको कन्वर्ट करके हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड कर देता है। सेम उसी तरह दूसरा बाकी कैमरा भी जोड़े जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जितने कैमरा लगाएंगे उतना वायर DVR को अटैच हो जाएगा और DVR के ऊपर रखा जाता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से 12 वोल्ट का पावर भी दिया जाता है और रिकॉर्डिंग भी किया जाता है। इसमें एक बात यह है कि इसमें ज्यादा वायर लगती है और अगर आप कैमरा 30 मीटर पे लगाओ या 100 मीटर पे लगाओ या 50 मीटर पे लगाओ, आपको वायर कैमरा से DVR तक लाना ही है। मतलब जितना आप कैमरा लगाएंगे, आप 4 लगाओ 4 वायर आ जाएगा, 8 लगाओ 8 वायर आ जाएगा, 16 लगाओ 16 वायर आ जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि घर के लिए, ऑफिस के लिए, मोस्टली जो छोटा ऑफिस है मोस्टली एनालॉग कैमरा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 4 या 8 से ज़्यादा वायर नहीं आएंगे अगर छोटे ऑफिस है तो। अभी देखते हैं आईपी नेटवर्क सिस्टम, उसमें आता है NVR, उसके बाद आता है हार्ड डिस्क को NVR में फिट किया जाता है और रिकॉर्डिंग स्टोरेज की जाती है। उसके बाद आता है आईपी कैमरा, उसके बाद आता है POE। POE का काम है कैमरा को पावर देना और कैमरा से सिग्नल लेके DVR तक पहुंचा देना। उसके बाद आता है RJ45 कनेक्टर जो CAT6 केबल के दोनों बाजू लगते हैं और यह CAT6 केबल, वो भी 4 पेयर वाला। उसके बाद है नेटवर्क आईपी सिस्टम का वायरिंग। सबसे पहले NVR, उसके बाद है POE। देखिए, POE को NVR के पास नहीं रखा गया तो NVR से दूर रखा गया है, ज्यादा तो कैमरा के पास ज्यादा तो रखा जाता है। उसके बाद POE को NVR से CAT6 केबल के एक जोड़ा जाता है तो दोनों में कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ जाता है। उसके बाद है CCTV कैमरा जो IP कैमरा है, IP कैमरे को वायर से जोड़ा जाता है POE से, तो POE से पावर गया कैमरा को और कैमरा से सिग्नल मिल रहा है POE को और POE से मिल रहा है NVR को। सेम उसी तरह दूसरा कैमरा, तीसरा कैमरा,
और चौथा कैमरा। अगर इसके आगे कैमरा और आगे जा रहा है तो उसको खाली एक एक्स्ट्रा पीओ ही बढ़ा जाता है। और पीओई से पीओई में एक अपलिंक डाली जाती है। हालांकि हम लोग पीओई से डायरेक्ट एनवीआर भी लगा सकते हैं दूसरे पीओई से, लेकिन पीओई से पीओई भी डाला जाता है। उसके बाद सेम कैमरास को पीओई से जोड़ा जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैमरा से पीओई क्यों आ रहा है सिग्नल, वो पीओई आगे भेज रहा है दूसरे पीओ पहले वाले पीओई को, और ये पीओई क्या कर रहा है डीएनवीआर तक भेज रहा है। तो इनका कनेक्शन कैसे हुआ, पीओई टू पीओई फिर पीओई से एनवीआर। सेम अगला कैमरा, तो यहाँ पे एक मैं बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो कैमरा है, कैमरा से पीओई तक समझो 10 मीटर वायर लगी। अगर यहाँ पे एनालॉग सिस्टम रहता तो हमें कैमरा से कम समझो 35 मीटर या 40 मीटर वायर लगानी थी यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे समझो 10 मीटर लग गई तो बाकी की 30 मीटर बच गई। ठीक है, और इसके आगे जो ये जो कैमरे है ये समझो 80 मीटर पे, सॉरी 80 मीटर पे है। तो 80 मीटर से वहां से खाली पीओई उसके 10 मीटर के दायरे में रख दिया तो 10 मीटर की वायर खाली लग गई कैमरा तक, और पीओई से ये पीओई तक समझो 20 मीटर वायर लग गई। तो वायर यहाँ पे बहुत बच जाती है। एनालॉग में पूरा वायर डीवीआर से कैमरा तक आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कैमरा से खाली पीओई तक वायर आता है, और यहाँ से पीओई से ऑलरेडी एक वायर कनेक्टेड हुआ रहता है। पीओई टू पीओई कनेक्टर वायर है और पीओ से इनवर्टर वायर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे वायर का बचत ज्यादा है और मेंटेनेंस भी एकदम बढ़िया है। मेंटेनेंस कैसा है कि अगर हम समझो एनालॉग कैमरा में लगा दिए तो एनालॉग में कैमरा में ये वायर कैमरा से डीवीआर तक है, तो समझो एक कैमरा की वायर खराब हो गई तो हमें डीवीआर से कैमरा तक का वायर चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कैसे है कि नेटवर्क कैमरा में कैमरा से पीओई तक का ही वायर खराब रहेगा तो वो उतनी 10 मीटर का वायर या 20 मीटर जो भी वायर लगे उतना ही बदलना पड़ेगा। ये एडवांटेज है। उसके आगे क्या कनेक्शन देखिए, सेम पीओई से दूसरे पीओई को वायर, और ऐसे कनेक्शन किए जाते हैं। तो हमें 16 का डीवीआर, 16 के वायर के लिए 16 का 16 वायर एनवीआर तक आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। खाली पीओई एक्स्ट्रा बढ़ाओ और उसके आसपास कैमरा लगा दो। देखिए एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम और आईपीसीसी सिस्टम, डीवीआर और एनवीआर, अभी दोनों में कनेक्शन कैसे हुआ है देखिए, सामने है आपके स्क्रीन पे। एनालॉग में कैमरा का वायर टोटली डीवीआर तक आया है, और नेटवर्क में कैमरा का वायर खाली पीओई तक गया है और पीओई से खाली एक वायर से एनवीआर तक आया है। मतलब नेटवर्क आईपी कैमरा में डीवीआर एनवीआर के पास ज्यादा वायर का गर्दी नहीं है, और एनालॉग सीसीटीवी में सब वायर एक जगह आ रहे हैं, तो ज्यादा हीट भी पैदा होगा और ज्यादा मेंटेनेंस भी है, क्योंकि हर कैमरे को अपना वायर गया है। तो कैमरा चाहे 30 मीटर पे है या 100 मीटर पे, आपको कैमरा का वायर उतना ही डालना है। अभी देखिए ये समझो 100 मीटर पे है और ये 100 मीटर पे है, तो 100 मीटर का डीवीआर में क्या हुआ कि 100 मीटर का पूरा वायर डालना पड़ा, लेकिन यहाँ पे 100 मीटर का नहीं डालना पड़ा, ये कैमरे का खाली 10 या 15 मीटर पीओई तक लेके जाना पड़ा, और पीओई से पीओई से ट्रांसफर करते करते एनवीआर तक सिग्नल पहुंचा गया। मतलब यहाँ पे कम वायर लगा एनालॉग के कंपैरिजन में। और एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि
ये जो एनालॉग सीसीटीवी में जो कैमरा रहते हैं वो जरा सस्ते रहते हैं, मतलब इनका प्राइस कम रहता है मुकाबले आईपी कैमरे के। आईपी कैमरा अगर 3000 का रहेगा तो एनालॉग कैमरा कुछ 1500-1800 तक का आता है क्लियरिटी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज बता दूं, जो वायर में बचा हुआ पैसा है, मतलब यहाँ पे वायर कम लगता है ये एनीवेयर में, तो यहाँ पे जो बचा हुआ वायर का पैसा है वो कैमरा में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको बेटर क्वालिटी भी मिलेगा और आपके वायरिंग का झंझट भी नहीं रहे। मोस्टली इंजीनियर के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पे उनको ज़्यादा वायरिंग डालना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेंटेनेंस की भी टेंशन नहीं है, खाली कैमरा टू पीओई वायर चेक करना है अगर कैमरा नहीं दिख रहा है। अगर समझो ये पूरा कैमरा यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो समझो ये बीच का वायर का कुछ लफड़ा है या फिर पीओई खराब है, पीओई बदल दिया कनेक्शन चालू हो गया, ये वायर बदल दिया तो पूरा कनेक्शन चालू हो गया। ये हो गया सीसीटीवी के बारे में, आज के लिए इतना ही। होप आपके लिए मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सजेशन दीजिए, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ, अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाता। तब तक के लिए